गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे और ठंडी में सेफ्टी से होंगे। और अभी मेरी पूजा हुई, खाने की क्या क्या तैयारी की है बताती हूँ मैं। ये बाजरे का आटा, ये है मैदाने का पीसा हुआ सीखे मैदाने, टमाटर पेस्ट, वाइट बेसे टमाटर थे कच्चे, और उसके बाद ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, और उसके साथ में ये चटनी। आज बनेंगे बाजरे की रोटी और दाने, जो मूंगफली रहती है उसके दाने सेक के, बीज के पीस के उसका पेस्ट बना के उसकी सब्जी बनेंगी। ठंडी का मजा है ना, आप लोग भी खाने आना। ठंडे में बाजरे मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। और अभी हम नहाए, पूजा हो गई हमारी, बस अब खाना बनाएंगे। और ये आ रही है साफ सफाई अभियान वाले लोग, जो कचरा ले जाते उसकी गाड़ी में गाने चलते। चलो ठीक है, डेली रूटीन दिखाएंगे। नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सुबह सुबह मेरा गाउन लुक रहता है, उसके बाद साड़ी फिर सलवार कुर्ती, एक चीज में थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ। टमाटर पेस्ट, गाड़ी सब्जी इसका कलर देखो आप, बाजरा का आटा मस्ती हमने बहुत अच्छे से कर लिए। हमारी सब्जी टेस्टी तैयार। अब कढ़ाई में तुलसी को पानी चढ़ाने के लिए, कपड़े डालने के लिए, और थोड़ी सी धूप सेकने के लिए, क्योंकि धूप सेकना भी ठंडी में बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाजरे की रोटी बनाऊंगी और नीचे जाके उनमें लुक चेंज कैसा होता है। मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर थोड़ी दूर है इसलिए मैं साड़ी पहन लेती हूँ, और सुबह नहाने के बाद मैं गाउन पहन लेती हूँ, और फिर दिन भर मेरे सलवार सूट रहती है। वीडियो मेरा दिन भर चलता है, ऐसा नहीं है कि दो तीन दिन का मिक्स करती हूँ, ऐसा रहता मेरा। और वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, वीडियो देखते ही नहीं हूँ आप लोग, देखा करो। तुलसी में दिया लगा दिया, और वो डेली की रूटीन है, तुलसी में दिया, सूरज देवता को दिया। अभी पोष का माह भी चल रहा है, वैसे भी 12 महीने लगाती हूँ। और फिर अब कपड़े डालना है, ये कपड़े रखी हुई है, कपड़े डाल देती हूँ। ठंडी में धूप खाना भी बहुत जरूरी है, थोड़ी सी धूप अच्छा लगता है। अब मंदिर जाऊँगी, मंदिर जाऊँगी फिर रोटी बनाऊँगी। अब मंदिर से आ गई, फिर चेंज हो गया हमारा, अब हम पानी पीएंगे अच्छे से। उसके बाद ठंडी ज़्यादा है तो थोड़ी सी कटोरी में चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो कटोरी में चाय पीएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे। बाजरे की रोटी बन रही है, ये जो है ये रहता ना कलर, ये तेल का हो जाता है। तैयार हो गई मेरी गोल गोल बाजरे, इसे तवे पे भी लाट के बना सकते हैं, इसमें पन्नी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाजरे की रोटी इतना सॉफ्ट आटा रहता, बहुत अच्छा रहता है, बना के खाना जरूर। सब्जी भी तैयार है, आज हम आप लोग बाजरे की रोटी, दाने की सब्जी,
ब्लॉग देखा करो, दुआ में याद रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरा वीडियो देखते रहना, दुआ में याद रखना। इसी किचन के साथ अपनी वीडियो की एंडिंग देती हूँ, ठीक है? फूली फूली बाजरे की रोटी आ जाओ खाने के लिए। थाली बाजरे की रोटी, चटनी और ये सब्जी, ये साथ में प्याज काटेंगे। बाजरे की रोटी, सब्जी, ठेसा और ये प्याज साथ में।